हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कूल माइंड। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एपिडेमिक। दोस्तों, आजकल पूरे दुनिया में एक एपिडेमिक छाया हुआ है जो एक वायरस संक्रमण है, आपको पता ही होगा, जो है कोरोना वायरस या COVID-19 डिजीज। दोस्तों, ये वायरस कुछ कुछ इंटरवल या पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो हमें अपने एग्जिस्टेंस का फील कराते रहता है। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये वायरस हमारे दुनिया में बहुत पहले से ही मौजूद थे। हालांकि बहुत पहले मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था आज के मुकाबले जो वायरस और उससे होने वाले डिजीज़ का पता लगा सकते, बट फिर भी दोस्तों करीब 2000 सालों से ही इनके एग्जिस्टेंस का पता हमें चल गया था, क्योंकि उन पुराने ज़माने के खोजकर्ताओं के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कुछ फैक्ट्स अबाउट पैंडेमिक या एपिडेमिक। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर रेगुलर फैक्ट्स एंड टैक्स। दोस्तों, पैंडेमिक वर्ड यानी महामारी, जो एक वाइड स्प्रेड डिजीज़ होता है जो बहुत ही कम टाइम में फैल जाता है एक जगह से दूसरी जगह और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। पर दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में नॉर्मली बहुत सारे डिजीज़ इंसानों में पाए जाते हैं, जैसा कि डायबिटीज़, अर्थराइटिस एंड कैंसर, पर यह बीमारियां पेंडेमिक नहीं होती है। दोस्तों, एज पर WHO जो डेफिनेशन दिया है पेंडेमिक का, पेंडेमिक यानी महामारी का डेफिनेशन इस तरह दिया गया, ए डिजीज और कंडीशन इज नॉट ए पेंडेमिक मेयरली बिकॉज इट इज वाइड स्प्रेड और किल्स मैनी पीपल, इट मस्ट बी इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस, मीन्स जो संक्रमण से फैलता है, जैसे कि वायरस और बैक्टीरियल संपर्क। इवन फ्रेंड्स, पेंडेमिक सिर्फ इंसान और एनिमल्स में ही नहीं, एग्रीकल्चर ऑर्गेनिज्म में भी होता है, जैसे कि क्रॉप प्लांट्स, फिश, ट्री स्पीसीज, इसमें भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है पहला महामारी फैला था आज से करीब 2000 साल पहले, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, उसका नाम था एंटोनाइन प्लेग, वो 165 से 180 AD में, सोचिए कितना पहले। इसके बाद कुछ पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल में के बाद भी महामारी पूरी दुनिया में अपना कहर दिखाता रहा है, जैसे जापानी स्मॉल पॉक्स, ब्लैक डेथ यानी प्लेग, कोलेरा, स्पेनिश फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स, इबोला, मार्स, और ज़्यादातर ये वायरस संक्रमण एनिमल्स से ही आया है। सार्स जो कि 2002 और 2003 में फैला था, वो भी कोरोना वायरस से ही आया था। बट फ्रेंड्स, अभी जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला है वो कुछ न्यू स्ट्रक्चरल चेंज करके आया है, अगर आसान भाषा में कहें तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि एक रेफरेंस में आपको बता रहा हूँ, एज पर जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, तो इसने रेफरेंस है अब तक का 7 अप्रैल 2020 तक, जिसमें अब तक का कोरोना वर्ल्ड वाइड डेथ रेशियो है 78,300। तो समझिए क्या कंडीशन है इस वायरस का, बहुत ही वाइड स्प्रेड है। सो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस और COVID-19 को रोकने के लिए पूरे दुनिया का डॉक्टर्स और रिसर्चर लगे हुए हैं। बट फ्रेंड्स, अभी इसको रोकने के लिए जो बेसिक इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट और मेडिकल गाइडलाइन दिया गया है, आप उससे फॉलो करिए, इससे इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, इसकी हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में बोला गया है, और जैसा कि आपको पता ही है, अभी भी उसका कोई एंटीडोट या स्पेसिफिक मेडिसिन मार्केट में नहीं आया है, तो इसका अभी इन जनरल रेफरेंसेस में जो चल रहा है ट्रीटमेंट, उसमें क्लोरोक्विन हाइड्रोक्साइड दिया जा रहा है। बट गुड न्यूज़ ये है दोस्त, अभी कुछ वैक्सीन्स ट्रायल में है जो बहुत ही जल्द मार्केट में आ जाएंगे, जैसे अमेरिका भी दावा कर रहा है और इंडिया में जायडस फार्मा भी ऑलरेडी अपना पहला ट्रायल कंप्लीट कर चुका है, जो एनिमल के ऊपर है, अभी वो वॉलेंटियर्स के ऊपर करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले प्लीज़ फॉलो द ऑल सेफ्टी मेजरमेंट,
कीप सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी रूमर्स पे ना जाए, और अच्छा खाना पीना करिए, इम्यूनिटी बिल्डअप कीजिए, और फाइट अगेंस्ट द कोरोना और COVID-19, इसको हमें हराना है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स एंड टैक्स मैं लाता रहूँगा रेगुलरली। तो अपने आप अपना हाइजीन मेंटेन करते रहिए, दूसरों को भी समझाइए। जय हिंद, स्टे हेल्थी, स्टे फिट।